रौबदार और कड़वा सच है। कर्नल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है। शिक्षा का संचार गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार। गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार। भैया कर्नल का ये कमाल, रे बबुआ कर्नल का ये कमाल। कमाल कर नल का। मालकिन ये बात है, क्यों शोर मचा रहा है बावड़े? अरे तू हट यार, तेरे बस की बात नहीं है। तू तो ऐसे भागा जा रहा है मालकिन के सामने, हमने कर्जा देना हो तेरा कुछ? अरे ये बात नहीं है, मेरे को मालकिन से ही काम है, तेरे बस। मेरे बस की काम क्यों नहीं है? अच्छा एक बात बताइयो, तू तेरे पास साइकिल है? हाँ? तो तू कभी साइकिल पे चलकर क्यों नहीं जाता? अरे झंडा भैया ये बात मत पूछ। बात ये है भैया कि मैं जब भी इसमें बैठता हूँ तो दो चार मरता तो मैं गिरी पड़ता हूँ, तो इससे अच्छा ये भैया कि मैं दौड़ते ही जल्दी पहुँच जाऊंगा। अब मालकिन की चिट्ठी। मालकिन की चिट्ठी है? एक बात कर, तू मुझे दे दे। तेरे को दे दूं? मुझे दे दे। अरे चिट्ठी मालकिन के है, तू क्या करेगा लेपट? एक बात बता दूं तुझे मैं, मेरे होते सोच लिए यहाँ पर झंडा सिंह का झंडा फहर रहा है, लाल किला मान लिया उसको तू। रही इसकी बात तो मुझे दे देना इसको तू, मैं पढ़ लूं। अरे तुझे पढ़ना लिखना आता क्या? टेलीग्राम है टेलीग्राम। अबे भैंस की कब्र पे चिपटे हुए पिस्सू, क्यों सवेरे सवेरे बतुआ दे रहा है? अरे पढ़ाई लिखाई तो वो करे जो बेरोजगार हो। अरे हम तो काम धंधे वाले लोग हैं, खेती वाले लोग हैं। बावड़ा कहीं का। अरे चल हट, मैं इसीलिए तो तेरे मुंह लगना नहीं चाहता झंडे। अगर कर्नल प्रताप सिंह को मालूम पड़ गया तो तेरे झंडे के डंडे उखड़ जाएंगे, तेरे बर्तन से मन जाएंगे। कर्नल साहब यानी के मारे पापा? अरे बावड़े तो पहले क्यों नहीं बताया कि कर्नल साहब का पैगाम है? मालकिन अम्मा नीचा जा। आ रही हूं। क्यों चिल्ला रहा है? और नीचे उतरने की जरूरत नहीं, ऊपर से कूद जा। पागल हो गया है क्या, क्यों चिल्ला रहा है? ऐसी क्या बता गई है? टेलीग्राम आया है पापा का। कूद जा नीचे। अच्छा आप मत सुनो, हम ऊपर आ रहे हैं तो पागल है, इसकी बातों में मत आना। ये पकड़ के साइकिल, मैं जा रहा हूँ। आ रहे अम्मा ऊपर आ रहे। अरे यार, अरे आज तो टेलीग्राम पढ़ेंगे, आज तो टेलीग्राम पढ़ेंगे। अरे हाल जा रहे, आज तो टेलीग्राम पढ़ेंगे। झंडा भैया आया माल के ना, मुझे फिर कभी पागल का है ना तो कोने वाले मोड़ पे चलती साइकिल में झंडा घुसा दूंगा तेरी, मैं कमीना इंसान। अरे झंडू जरा चुप तो कर, क्या बात है भैया? अम्मा टेलीग्राम आया है, अब ये तो खोलने से ही मालूम पड़ेगा कि इसमें लिखा क्या है। अरे ये तो बेटा अंग्रेजी में लग रहा है। मैं पढूं? अब ये कौन कौन पढ़ेगा भैया, तू ही पढ़ बेटा। अंग्रेजी में ही है मां, अबे तू तो एक में पसर जाएगा। हाँ, मैं रुपये की बात कर रहा हूँ। दे दूंगी। हाँ। तू पढ़ तो सही। कर्नल प्रताप सिंह चौहान कमिंग ऑन मारे बाप का नाम मॉर्निंग एट विलेज। अम्मा वो जो है इतवार को आ रहे हैं मालकिन। अच्छा, इतवार को आ रहे कर्नल साहब। बहुत खुशी। हाँ हाँ इतवार को। सुन ये बात कर्नल साहब को मत बताना वरना बहुत गुस्सा होंगे। मैं हिंदी तो जानती हूँ पर अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता मुझे। झंडू आज कौन सा आ रहे? आज तो बुधवार है। बुधवार है? अरे बापरे आज बस सिर्फ तीन दिन बचे हैं। बापरे घर की सफाई करनी कितना काम है। झंडू जल्दी चल, 25 निकाल इसमें से। अरे अगर तो तू ही पढ़ लेता ना तो तेरे को ही मिल जाते। अब तुझे क्या पता मैंने अंदर ही अंदर पढ़ लिया हो तो। मैं तो अंतर्यामी हूँ, अगर मैंने पढ़ लिया होता तो तू पढ़ जाता। कुत्ते की तरह से तेरे जाहिर करते मुझसे और ज्ञान भी चाटने से। अरे मैं
जाने नहीं दूंगा। आज हमारे ब्रिगेड के, या यूं कहिए हमारे देश के एक वीर डिसिप्लिन और साहसी अधिकारी अपनी फौज की जिम्मेदारियों को निभाकर कार्यमुक्त हो रहा है। कर्नल प्रताप सिंह एक बड़े ही रिस्पॉन्सिबल और ईमानदार अधिकारी थे, जिन्होंने 62 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में और अभी हाल ही में लद्दाख की लड़ाई में भी इन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। हम चाहते हैं कि हमारे ब्रिगेड की तरफ से एक तोहफा उनको दिया जाए। कर्नल थॉमस, प्यारे वतन तुझ पे कुर्बान है, तेरे लिए हाजिर दिल। अब मैं चाहूंगा कि कर्नल प्रताप सिंह चौहान इसी मंच से अपने दुख, अपने सुख और अपने हंसी के कुछ मौकों या कुछ वारदात हमें सुनाएं। कर्नल चौहान प्लीज। जिंदगी का एक लंबा सफर कहां कैसे बीत गया कुछ पता नहीं चला। मैं जब फौज में आया था तो मात्र 19 साल का था। नेशनल डिफेंस अकादमी के वो दिन, मैं उसके बाद लद्दाख में गया। ये एक नई दुनिया थी। मैं नया जरूर था और देश की सरहद की जिम्मेदारी मेरे ऊपर पहले पहल पड़ी थी, लेकिन मेरी रगों में खानदानी परंपरा का खून था। हमारे यहां हर पीढ़ी में फौज में लोग रहे हैं। पिताजी तभी चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। उन्होंने लड़की भी देख रखी थी। मेरी होने वाली पत्नी गांव की 10 जमात पास सीधी सादी महिला थी और मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था। लेकिन उसकी सादगी और सभ्यता ने मुझे कायल बना दिया। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। एक हफ्ते के बाद मुझे छुट्टी पर घर जाना था, लेकिन तभी फिल्मी अंदाज में हूबहू सरहद पर हमला हुआ और जंग छिड़ गई। कहना ना होगा कि मैं शादी के 7 फेरों के अलावा सब रस्में छोड़कर इमीडिएटली फ्रंट पर पहुंच गया। आप लोगों के साथ रहते हुए मुझे कभी घर की याद नहीं आई। मेरे सीनियर ऑफिसर्स और मेरे जवानों ने हमेशा मेरे इरादों को मजबूती दी। हम लोग जब फौज में आते हैं तो कुछ सपने, सुनहरे सपने अपने साथ लाते हैं और जब फौज से वापस जाते हैं तो शरीर को गुदगुदाने वाली गोलियों के निशान और जंग की कुछ खट्टी मीठी यादें और किस्से साथ ले जाते हैं। यही है हमारा सरमाया, जिसकी तहों में छिपा रहता है कठोर श्रम, अनुशासन और पक्के इरादों का परचम। मुझे फख्र है कि मैंने जाने से पहले कारगिल की लड़ाई भी लड़ी। बदन में दौड़ते हुए खून को जमा देने वाली ठंड की लड़ाई, जहां हमारी जांबाजी देखकर दुश्मन चींटियों की तरह दिलों को छुपने के लिए ढूंढने लगा, लेकिन हमने चींटियों के बिलों पर पैर रखना अपने आदर्श के खिलाफ समझा। लेकिन अभी एक जंग और बाकी है। मुझे अपने गांव जाकर एक जंग और लड़नी है। आप सोच रहे होंगे कि अब मुझे और कौन सी जंग लड़नी है, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अब की दफे हमारा दुश्मन बहुत ही खूंखार
और बेरहम है, उसका नाम है अशिक्षा, इलिटरेसी। हम फौज के लोग सरहद की जंग के अलावा समाज की जंग में भी शामिल होना जरूरी समझते हैं, और इसी का बीड़ा मैंने कल से उठाया। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। करारे बदनाम, गली गली में कम से कम अपने साइकिल की ब्रेक तो ठीक करवा लेते, अभी मैं मर जाती तो। पता नहीं है यार, ये मैं इस साइकिल की ब्रेक ठीक करवाऊं या तेरे दिमाग की ब्रेक ठीक करवाऊं? तू जा कहां रही है इधर से? तुम्हें देखने जा रही थी। मुझे देखने जा रही थी? हाँ। तो ले देख ले, देख लिया ना, अब मैं जा रहा हूँ। पर सुनो तो झंडा। देख भाई सुधा, बात को समझा कर, इस गांव के माहौल में किसी पराए मर्द के साथ में फेंका फाकी ठीक नहीं होती। अगर किसी ने देख लिया ना तो तू तो है लड़की, तेरे को तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा कोई भी, पर मेरी आवाज ही निकाल देंगे लोग। अब हट जा। तुम भी अजीब अजीब बात करते हो झंडा। वैसे जब तुम पैंट शर्ट पहनते हो ना तो बिल्कुल अफसर लगते हो। धत तेरे की बावड़ी, जब भी मिसाल देगी तो सड़े हुए गन्ने जैसी। मतलब? अरे बनाना था तो अफसर ही क्यों बनाया है? कोई दरोगा दरोगा बनाया होता। ओहो लाला जी, दरोगा बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। देख सुधा की बच्ची, तेरी पढ़ाई लिखाई वाली बात तो मैं मान लेता हूँ, पर आज के बाद में मुझे लाला वाला मत कहना तू। क्यों, उसमें क्या है? अरे बावड़ी तेरे देखा नहीं, वो दुकान वाला लाला है ना, जब वो 3 रुपए की चीज 5 रुपए में बेचता है तो उसका चेहरा कैसे कब्रिस्तान समझ जाता है। अब वो तो ऐसा करेगा ही, जब यहाँ के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो गांव के लोग पढ़ लिख कर क्या उसके चेहरे पर इमारत चुनेंगे? अरे बुद्धू, कम से कम हिसाब किताब तो कर लेंगे। मुझे बुद्धू मत कहना, समझ गया ना, बुद्धू मत कहना। जो गांव का पीपल का पेड़ है ना, वो चौराहे पर है ना, मैं 1.5 मिनट में उसके ऊपर चढ़ के नीचे उतर सकता हूँ। हे माँ, तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है। ले, इसमें भगवान बीच में कहाँ से आ गया? अरे मेरा मालिक तो कर्नल बाबा है, मुच्छो वाला। अरे हाँ झंडा, मैंने सुना है कल तुम्हारे घर तार आया था, क्या इस इतवार को कर्नल अंकल आ रहे हैं? क्या ये बात सच है? सच है, अरे बावड़ी 16 आना सच है, पक्की सच है। सच है तो टाइम क्यों खराब कर रहे हो, जाओ जाके तैयारी करो। अरे वहीं तो जा रहा था, तेरे सब गड़बड़ कर दिया, अब पीछे जा, अब पीछे जा बस। ए झंडा, मुझे भी अपने साथ ले चलना। अरे बावड़ी ये बड़ा गंभीर मामला है, ये है गाँव, तेरे को बताया नहीं था? अगर कोई देख लेगा तो मेरा बजा देगा बैंड सा। झंडा अब तू मुझे माफ कर। झंडा सुन ना, तू मुझे माफ कर। झंडा मुझे भी ले चलना। मियाँ उस रोज हमने भी उनकी वो उतारी, वो उतारी के बस देखते ही रहवा वो। और मियाँ कैसा चल रहा है तुम्हारा, सब ठीक ठाक तो है ना? तो तुम्हारे वो उस नींद मटके का क्या हुआ? चाचा राम राम। लो आगे जल्दी है, इनकी अब शुरू होगी जुमलेबाजी। अभी ये तो बस आओ आओ झंडे आओ, काट दे काट दे, अरे खुर बच्चा यू रतास, काट दे इसकी गर्दन, अरे काट दे रे। ओ आते शुरू हो गई तुम्हारी जुमलेबाजी है। हमने तो सुना है कि मियां वो डाकी ने तुम्हें लूट लिया है, तुमसे 25 रुपए ना ना 25 नहीं 50 रुपए एड लिए तुमसे। अरे बावड़े, हम तो वो बड़ी चीज है जिसके बारे में अफवाह फैलती रहती है, सरकार बुरा नहीं मानती तो हम क्यों बुरा मानेंगे। रही बात पैसे की भाई, देखिए तो अफवाह है, अगर ले गया तो ले गया, तेरी नींद क्यों हराम हो रही है? कसम उस तरह की मियाँ, वहाँ सारे गांव में कोहरा मचा हुआ है, अरे सब लोग अपने गली कूचे साफ कर रहे हैं, और आप मियाँ यहाँ क्या कर रहे हैं उस लड़की से नैन मटक का? ए भिक्षू, देखे सारी बात ठीक है, पर गांव की किसी लड़की के बारे में ये बदतमीजी वाली बात करी ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। छोरे कहीं के, अरे कहीं तो शर्म लिहाज करो।
क्यों मियाँ, डर लगता है हमारे जुमलों से या हमारे जुमले समझ में नहीं आते आपके? तेरे जुमले, अरे जुमले पे जुमला तो लो सवालो मियाँ, अरे लट्टू पे लट्टू और लट्टू पे मियाँ रस्सी, बोलो दूध पियोगे या लस्सी? इरे देख यार, इरे ना दूध ना लस्सी, ना दूध और ना लस्सी और ना लट्टू और ना रस्सी, दिखे फफेरूंगा इतना बना दूंगा रस्सी, समझ गए ना बात? अरे क्या फबोड़ोगे मियाँ और क्या तानोगे गुलेल? अरे अभी तो शुरू हुई है दी चुकी रेल। वे तेरी रेल तुम सुन, बिना पटरी का तू इंगर है, बिना पटरी का तू इंगर, बिना पटरी की तू रेल, बिना पटरी का तू इंगर और बिना पटरी की तू रेल। और देखिए ना, हमारे जैसा मानस तो नीपू ने काट के कर देता है तेल, और काम की बात कर माजरा की है, समझ गया ना बात? चलो छोड़ दिया मियाँ, मगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? है? कल कर्नल साहब तशरीफ ला रहे हैं, कोई तैयारी वैयारी की क्या नहीं मियाँ? बड़ी खुजार सी हो रही तुम्हें, वकालत कर रहे हैं तुम बावड़े? रे मेरा बाप आ रहा, मैं ही तैयारी ना करूं, ये तो कोई बात ना हुई। अच्छा एक काम करिए, कल सवेरे ट्रेन के टाइम पे आ जाइए तू स्टेशन, ठीक है? हाँ मियाँ जरूर आ जाऊंगा। अरे भाई देखिए रुतास तले तो काटी करेगा जी। चाचा चप्पल लिए बाबा, पता नहीं मैं आपसे बहुत ज्यादा डरता हूं या फिर एक हद से ज्यादा तुमसे प्रेम करता हूं। हां शायद यही ठीक कहना उचित है। कुछ भी हो बाबा, आप बहुत प्यारे इंसान हैं, आप मेरे आदर्श हैं, मेरी मां हैं आप, बाप भी आप ही हैं मेरे। मैं चाहता हूं कि आपके आशीष आशीर्वाद और शिक्षा के तहत खरा उतरूं। झंडा, अरे कहां रह गया ये लड़का, समझ में नहीं आता। ओफो, आज तो सारे कपड़े भी फैले पड़े हैं, जाने कहां रह जाता ये लड़का रोज रोज। झंडा, ये बात हो गई, कहां रह जाता है तू? आज मुझे ये बता, तू बिना बताए हर महीने कहां चला जाता है, है? और इस बार तो तूने हद ही कर दी, बिना बताए 9-10 महीने के लिए गायब हो गया तू, हैं? तू जानता है गांव के लोग कितनी अफवाह उड़ा रहे हैं तेरे लिए? क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि तू गलत काम करता है, और अब तू मुझे भी शक होने लग गया है। मेरी छोड़, तेरे बाबा आ रहे हैं कल, तू उन्हें क्या जवाब देगा? हाँ, कहाँ रह गया था बोल? देख मैं, तेरी तो चिल्लाने की है आदत, जरा सी बात खींच के बड़ी कर देती है। सीधी साधी बात है, खेती का जो किसानी का जो लेन देन बाकी था, लेना देना था, वो करने के लिए मैं शहर गया था। हाँ एक गलती मेरे से हो गई, मानता हूँ मैं, वहाँ एक आदमी मिल गया, वो एक गल्ले की दुकान है उसकी, उसने मुझे शहर घुमाया, तो शहर तो माँ मुझे अच्छा लग गया, मैं टिक गया। मुझे तो समझ में ही नहीं आता आखिर तेरा माजरा क्या है। देख रोज रोज तू शहर वहर मत जाया कर, अगर वहाँ की हवा लग गई तो यहाँ का हिसाब किताब कौन देखेगा? जब फसल हो तब भी तेरा हिसाब किताब, जब सूखा हो तब भी तेरा हिसाब किताब। अरे मुझे तो तेरा माजरा ही समझ में नहीं आता। कुछ नहीं अम्मा, मैं तो बस ऐसे ही। मत कहा कर मुझे तू अम्मा, कर्नल साहब ही तेरी माँ है और वही तेरे बाप है। ऐसा मत कहो माँ। काश मेरा कोई अपना लड़का होता तो आज उनके आने की खुशी होती, और वो भी पढ़ लिख कर एक अफसर बन गया होता। मुझसे गलती होगी अम्मा, मुझे माफ कर दो ना। मुझसे बात मत कर,
चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं अम्मा। देखे सारा तो घर साफ कर दूंगा, लिपाई कर दूंगा, बैलों के और भैंसों के दोनों के सींग रंग दूंगा, सारी सजावट कर दूंगा घर की, चिंता करने की जरूरत नहीं। कितनी मेहनत पड़ जाए मैं करूंगा। पर देखे माँ गुस्सा मत हो, तेरे गुस्सा होने से तो मेरा तो संसार ही खत्म हो जाएगा। तुझे मालूम है ना कि तेरे बाबूजी इतवार के दिन आ रहे हैं, और तूने कौन सी तैयारी कर रखी है उनके आने की? अरे तू कैसा बेटा है उनका, आखिर है तो गोद लिया हुआ ही ना। माँ किस तरह बात कर रही है? तो सुन, तू सारा सामान और हिसाब किताब उनके आने से पहले सही कर दे, वरना तेरे बाबूजी गुस्सा होंगे। ठीक है, मैं सारे काम कर लूंगा, पर देख मन में ये बात फिर दोबारा नहीं लाना कि मैं गोद लिया हूं। रहसान भाई, कल तो मैंने ममता ठुकराइन को यहाँ तक कहते हुए सुना कि अब तो इस गांव का नक्शा ही बदल जाएगा। और चौधरी सतनाम के होते हुए गांव में किसी की हिम्मत नहीं है जो गांव का नक्शा बदल दे। अरे तो क्या कर्नल चकबंदी के अफसर अपने साथ ला रहा है? चौधरी साहब, अगर गांव का नक्शा बदल गया तो हमारी जमीनों का क्या होगा? वो तो दूसरे गाँव में चली जाएंगी। अरे मैं उस नक्शे की बात ना कर रहा हूँ भाईजान, उस नक्शे की बात ना कर रहा। अरे मैं तो जलवे वाले नक्शे की बात कर रहा हूँ। जलवा? और वो भी हमसे? वो हम तो वो चीज है जो अपनी पगड़ी भी टेढ़ी कर देना तो बरसात ना हो। भगवान कसम, हमने कभी जलवा नहीं देखा। हम तो वो चीज है जो दूसरों को जलवा दिखाते हैं। चौधरी साहब, हमें पहले से ही कमर कसनी होगी, वो भी मेडल वाला फौजी है, अगर कहीं चुनाव में उतर गया तो मुश्किल हो जाएगी। चौधरी साहब, ये कोई फौजी छावनी ना है, फौजी छावनी ये तो गांव है, और हम भी ऐसा पत्ता फेंकेंगे कि कर्नल की बंदूक भी इन जैसी लागेगी। और शाबाश दलित पे शाबाश। अब तुम गांव में एक मीटिंग बुलाओ, और उस मीटिंग में गांव के सब लोगों को बुला के कहो कि चौधरी सतनाम गांव में ट्यूबवेल लगवा रहे हैं। ट्यूबवेल? चौधरी साहब, हमने तो कभी गाँव वालों को चिचक की टीके नहीं लगवाए, अब ये ट्यूबवेल कहाँ से लगवाएंगे? ओए बावले, चेचक के टीके तो सरकार लगवाती है, लेकिन अब चेचक रही नहीं तो टीके कहाँ से लगवाएं? तो फिर क्या करें चौधरी साहब? और करना क्या है, सारे गांव में ट्यूबवेल की खबर फैला दो। और एहसान, तू कर्नल के साथ चूंटी की चराची हो जा और सारी खबर ले आ। मतलब खबरी? और बिल्कुल, हो सके तो कर्नल के गोद लिए बेटे को किसी तरीके से बरगला के लपेट। हाँ, वो मेरे तो सुनने में आया है कि कर्नल की बीवी चंदा के खिलाफ है, और इसीलिए चंदा कई दिनों से शहर में गया हुआ है और वापस नहीं आया। मुझे तो लगता है कि चंदा जरूर कोई उल्टे सीधे काम में लग गया है। चौधरी साहब, ये मरगढ़ का तुखम गया कहां से आ लिया? तो मैंने तो सुना है कि कर्नल की बीवी ने शहर जाकर चंदा के पैर पकड़े है, तो वो भी चल। उसने सोचा होगा कि चंदा अगर शहर से वापस ही नहीं आया तो मेरी बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। मैंने तो सुना है कि आजकल वो नक्शे हाथ में लिए घूम रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कर्नल की जमीन के प्लाट कटवा के वो बेच दे। चौधरी साहब, एक दिन तो वो आपकी जमीन में भी हाथ डाल के देख रहा था। अरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी जमीन के प्लाट काट के बेच खाए, अब वो शहरी आदमी हो गया है, पता नहीं क्या करे। अरे ना ना, अरे ना भाईजान, वो ऐसा कर ही ना सके। अरे वो भी तो अपने जैसा अंगूठा छाप है, वो तो काबू में आ जाएगा। पर डर तो इस बात का है कि कहीं उसे मल्ला की छोरी सुधा ना पका दे। कौन? सुधा जी? चौधरी साहब, देखा ना पिछले दिनों उसने बुजुर्ग औरतों का स्कूल खोलने की भी कोशिश की थी, 10 जमात के पढ़ ली है, उसके तारों में तो पहिए लग गए हैं। और उससे भी निपट लेंगे, एक दिन उसके बापू को यहाँ पकड़ के लाना। सुना है भाईजान कि पिछली बार स्कूल बनाने में नाकामयाब होने पर बोली थी कि कर्नल चाचा आ जाएंगे तब देखूंगी कि मुझे स्कूल बनाने से कौन रोकता है। हाँ भाई हाँ, ये तो सचमुच गौर करने वाली बात है। बिल्कुल, और कर्नल यहाँ स्कूल में नए कमरे बनवाता फिर रहा है, लेकिन जो यहाँ पहले से स्कूल है वहाँ कौन सा पढ़ने वालों के लिए तक्का मुक्की हो रही है। लेकिन चौधरी साहब, ये लड़की तो कहती है कि मैं बुजुर्गों और महिलाओं का स्कूल बनवाऊंगी। और पागल,
उसे नहीं मालूम कि मेरे पास क्या क्या शतरंजी चाले हैं। फटो चाची को आग लगा के उसके पीछे छोड़ दूंगा। भगवान कसम दलीप पे, वो ऐसी कार तोड़ मंत्रा है कि खाते पीते कार को भिखारी बना दे। वो तो ठीक है, वो सभी अपने अपने मोर्चे संभाल के रखो, हाँ, और जैसे ही मौका मिले गोला दाग दो, लेकिन याद रखना इतवार को उसे स्टेशन लेने जरूर जाना है। रद्दा वहां पड़ेंगे उसका, किस इरादे से आ रहा है, हाँ? वैसे भी खिलाड़ी को कबाड़ी बन के मारना चाहिए। ये ठीक रहेगा। वो एक काम करना, पीछू ना इसे कहना कि स्टेशन पर बाजी और ढोल का इंतजाम कर ले कर्नल के स्वागत के लिए। वो इससे पहले कि गांव वाले कोई जलसे का प्रोग्राम करे, मामला हम वहीं पे निपटा देंगे। चौधरी साहब बिल्कुल सही कहा आपने, वैसे भी इस भीचू नाई का इस्तेमाल हम चुगलियां फैलाने में कर सकते हैं, क्योंकि इस इलाके में इससे बड़ा बेगैरत और चुगलखोर अफवाह छोड़ू आदमी दूसरा कोई नहीं है। भीचू से कहना जो भी कदम उठाए बहुत सोच समझ के उठाए, समझे? ठीक है फिर चौधरी साहब, हम चलते हैं। ठीक, अच्छा अच्छा जी, हाँ ठीक ठीक, चलो चलो भाई, अब तो जंग होके रहेगी। रौबदार और कड़वा सच है, कर्नल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है, शिक्षा का संचार गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार, गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार। रे भैया कर्नल का ये कमाल, रे बबुआ कर्नल का ये कमाल, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का।